अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, ये खबर रात 11 बजे से गर्दिश में थी, मगर हमने आपके लिए वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि इसकी तस्दीक नहीं हो रही। मगर पाकिस्तान के तीन मोतबर टीवी चैनल जिनमें ARY न्यूज़, जियो न्यूज़ और PTV स्पोर्ट्स पर डॉक्टर नुमान नियाज ने इस बात की तस्दीक की। इसके बाद राशिद लतीफ़ ने भी दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर इस बात की तस्दीक की। खबर के मुताबिक दोस्तों, चेयरमैन PCB को हटा दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, उनकी मुआयना मुद्दत जो है वो पूरी हो चुकी है और इमरान खान ने ये फैसला किया है कि उन्हें मजीद तौसी नहीं दी जाएगी। ये काम होने के बाद फौरन से एक्शन भी स्टार्ट हो चुका है और रमीज राजा बहुत बड़े उम्मीदवार बनकर निकले हैं चेयरमैन PCB के लिए। जी हां दोस्तों, इस खबर की कंफर्मेशन कल तक हमें पता चल जाएगी, मगर ये कन्फर्म हो चुका है कि चेयरमैन एहसान मानी अपनी अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं और आज रात या फिर कल को वो घर भेज दिए जाएंगे। ये क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि रमीज राजा की सोच भी फैंस के साथ ही मिलती है और जिसके बाइस अब मिसबाह उल हक और वकार यूनस शायद ही पाकिस्तान टीम की कोचिंग में रह सके। अगले दो दिन में इस बात की भी कंफर्मेशन आ जाएगी कि ये दोनों वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कोचिंग करेंगे या फिर नहीं। दोस्तों आप क्या चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।